दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 4:08। अभी हम 10 मिनट में अपनी गाड़ी में बैठेंगे और आगे गोवा के लिए चलेंगे। और बीच बीच में जैसे भी होगा अपडेट्स दूंगा, हर एक अपडेट्स दूंगा पूरे रोड के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने कल कहा था आपको कि मुझे मुंबई टू गोवा रोड से जाना था, बचपन से मेरा सपना था, आज मैं पूरा करने वाला हूँ। वैसे मेरा गाड़ी धोने वाला सुबह सुबह नहीं आता है, तो थोड़ी सी गाड़ी को अच्छे कंडीशन में लाते हुए हम नाउ 5 बज गए हैं। हम अभी निकल रहे हैं मुंबई टू गोवा। हियर वी गो। दोस्तों हम निकल चुके हैं मुंबई टू गोवा जाने के लिए, और मैं आज आप लोगों के साथ में इस ट्रिप का पूरा जो भी डिटेल्स है सब शेयर करने वाला हूँ। रोड्स कैसे हैं, कौन से रोड से जाना चाहिए, कितने टोल नाके आते हैं, और आपको क्या क्या बीच में चेक पोस्ट गिरेंगे, कर्नाटक बॉर्डर पे आपको क्या प्रेजेंट करना है, गोवा बॉर्डर पे आपको क्या दिखाना है, COVID-19 के क्या क्या रूल्स है, और जो चीज़ें मैं बोल नहीं पाऊंगा इस वीडियो में तो मैं आप लोगों के साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। और पूरी कंप्लीट रोड ट्रिप एंड तक दोस्तों मेरे साथ में बने रही है, जिसमें मैंने जो फील किया, मैंने जो एक्सपीरियंस किया इस रोड ट्रिप में, क्योंकि कहते हैं ना बचपन में मैंने एक पिक्चर देखी थी मुंबई टू गोवा, तब से मुझे अरमान था कि मैं एक खुद एक रोड ट्रिप लूँगा। बहुत बार गोवा गया लेकिन ट्रेन से गया, प्लेन से गया, लेकिन वो मज़ा नहीं आई जो दोस्तों जो इस ट्रिप ने मुझे इंजॉयमेंट दिया है। और मैंने कोशिश की है कि जो मेरे देखने वाले मेरे दोस्त है, मेरे व्यूवर्स है, उनको मैं वही एक्सपीरियंस फील करवा सकूं। ऐसे आपको फील होगा कि आप भी मेरे साथ में उस ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए और पूरा का पूरा रोड ट्रिप का मजा ले रहे हो। तो आखिर तक मेरे साथ में बने रहिए दोस्तों, और पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा कि टोल कितने हैं, क्या है, सारी की सारी चीजें आप लोग के साथ में शेयर होगी। तो एंड तक मेरे साथ में बने रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। हम अभी आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। हम लोग हमारे को सबसे पहला टोल नाका मिलेगा वो है वाशी का टोल नाका। बहुत अच्छा लग रहा है सुबह 5 बजे ड्राइविंग करते हुए। काश ये मुंबई हमेशा ऐसी खाली मिले हमें, लेकिन मिलती नहीं है। नो इश्यूज, आई लव माई मुंबई। जैसी भी है हमारी मुम है, माँ है, बा है, आई है, मुंबई। चलो नाउ मुंबई को अलविदा करते हुए गोवा की तरफ आगे बढ़ते हुए आई गिव यू अपडेट इन एवरी किलोमीटर। हम पहले टोल नाके की तरफ बढ़ते हुए वाशी के इस ब्रिज पे हैं। फर्स्ट टोल नाका अभी थोड़े इस टाइम में आ जाएगा। ये ब्रिज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बचपन में मैं यहाँ से जाता था तो ऐसे लगता था, हमारे गांव के लिए तो ऐसे लगता था कि मुंबई यहाँ ख़त्म हो गई। और तभी छोटा ब्रिज हुआ करता था, अब ये तो काफ़ी नया ब्रिज बना हुआ है, काफ़ी सालों से बना हुआ है। हमारे लिए ब्रिज था छोटा सा, वहाँ से हम निकलते थे, काफ़ी ट्रैफिक हुआ करती थी। बट नाउ वी आर रीचिंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट टोल। थैंक गॉड मैंने अपने फास्टैग में पैसे डलवा दिए हैं, तो फास्टैग से पैसे कटेंगे। देखिए बिल्कुल भीड़ नहीं है, गाड़ियों की कुछ भी नहीं। तो हम अपने पहले टोल की तरफ बढ़ते हुए, फर्स्ट टोल। थैंक गॉड मैंने पहले अपने फास्टैग में पैसे डलवा दिए हैं और यहाँ से हम डायरेक्टली बाहर निकल जाएंगे, डायरेक्टली आउट। यस माई फास्ट टैग इज वर्किंग और हम निकले हैं अभी फर्स्ट टोल से। ये एक सेकेंड टोल लगता है, लेकिन यहाँ पे हमको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट वालों के लिए, जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उनको, सॉरी हाँ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है ना, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए यहाँ पे कोई टोल नहीं है। नाउ हम अभी
पूना एक्सप्रेसवे पे चलने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेसवे। और जय महाराष्ट्र, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र की शान है पूना एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को देखकर बहुत से एक्सप्रेसवे बने हैं, बहुत से लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, बट हमारा पुणे एक्सप्रेसवे हम बढ़ते हुए अपने पुणे एक्सप्रेसवे की तरफ। बहुत अच्छा लगता है जब एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं, एंड रियली एंजॉय अ लॉट ऑन ड्राइविंग ऑन पुणे एक्सप्रेस हाईवे। अभी देखिए हम चलने वाले हैं पुणे एक्सप्रेसवे के ऊपर। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप्स वगैरह है अगर किसी को, क्योंकि एक्सप्रेसवे में कलंबा लोनावला तक कुछ नहीं मिलेगा, ना ही पेट्रोल पंप कुछ नहीं। तो अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल वगैरह का साधन नहीं है तो आप लेफ्ट साइड में काफ़ी पेट्रोल पंप से सीएनजी पंप से आप भरवा सकते हैं। और ये देखिए आपको बोर्ड दिखेगा पूना स्ट्रेट, एंड हमारे गांव के लिए जाने के लिए लेफ्ट से हैं, वहाँ से भी गोवा आता है जो अपना ओल्ड गोवा हाईवे रोड है, लेकिन हम वाया पुणे कोल्हापुर जाने वाले हैं। एंड हियर अब हम चल रहे हैं, ये देखिए पुणे एक्सप्रेसवे को हमने टच कर दिया, एंड नाउ इट्स माय रोड। ये देखिए हम टनल में हैं अभी पुणे एक्सप्रेसवे के, बहुत ही ब्यूटीफुल टनल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टनल में गाड़ी चलाने के लिए। इसे आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, हैट्स ऑफ टू आवर इंजीनियर्स। तो ये सबसे पहला टनल मिला है हमको पुणे एक्सप्रेसवे पे। सी यू नाउ एंटरिंग इन सेकंड टनल ऑफ पुणे एक्सप्रेसवे। हम अभी सेकंड टनल में हैं, वो छोटा सा टनल है दोस्तों। जस्ट एक एक्सीडेंट देखा हमने यहाँ पे, ट्रक पलटी हो गया बिफोर टोल प्लाजा। सेफली ड्राइव किया कीजिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अब हम सेकेंड टोल की तरफ एंटर कर रहे हैं, एंड ये फास्ट टैग में हम गाड़ी डालेंगे ताकि जल्दी से हमारी गाड़ी बाहर निकल जाए। सबकी सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आराम से गाड़ी को ड्राइव करना है। फास्ट टैग पे आ रहे हैं, थोड़ा पीछे ही रखो उसके। फास्ट टैग होने का बहुत फायदा होता है, एडवांटेज होता है, आप जल्दी से निकल जाते हैं, ये रश से बच जाते हैं हम पूरी तरीके से। यूज फास्ट टैग, मेक इंडिया डिजिटल। अभी हम लोनावला के घाट पे चढ़ चुके हैं। लोनावला इज माय बेस्ट प्लेस, मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स यहाँ पे मैं कंडक्ट करता हूँ, इट्स रियली अमेजिंग दोस्तों। यहाँ पे बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है गाड़ी, क्योंकि बहुत स्टिप चढ़ना होता है ऊपर, इट्स कंप्लीट घाट। यहाँ पे सेफ्टी का पालन करना बहुत ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, फैमिली आपके साथ में होती है। तो ये हमारा लोनावला का, देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, एंड रीचिंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। सुबह की किरण फूटते हुए और हम ये तीसरे टनल में एंटर करते हुए लोनावला में ही हैं, और काफ़ी मज़ा आ रही है ड्राइविंग करते हुए। अर्ली मॉर्निंग ड्राइविंग का मज़ा ही कुछ और होता है, एंजॉयिंग अ लॉट। टनल लेंथ हियर, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है बाहर का, सूरज की पहली किरण फूटते हुए पहाड़ों में, देखिए
चल रहे हैं क्योंकि बाहर पोल्यूशन भी है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये लोनावला। कभी आइएगा लोनावला में जरूर, लोनावला में भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, यहाँ पे भी लोग रुकते हैं। मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन पॉइंट है और फेवरेट ट्रेनिंग पॉइंट भी है। अब यहाँ लोनावला के लिए एक एग्जिट आएगा जहाँ से आप लोनावला की तरफ जा सकते हो। हल्की हल्की सूरज की किरणें बाहर निकल रही हैं अंधेरे से उजाले की ओर। कहते हैं ना, कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो। भाई क्या कर रहा है भाई, ढंग से चला। हाँ यार, ट्रक वाले देखिए इतने परेशान करते हैं। ये देखिए खंडाला और लोनावला के लिए एग्जिट दिखा रहा है 600 मीटर पे, और बहुत ही प्यारा नजारा। एग्जिट होते हुए नीचे उतरते हुए ऐसा ना गाना सुन रहे हो? Yes. कौन सा गाना? विषय। अच्छा, my daughter listening English song। भाई अपने को तो हिंदी सॉन्ग ही अच्छे लगते हैं, ओल्ड जनरेशन इंग्लिश सॉन्ग सुनती है। चलते हुए ईमान सो गया है ईशाना? He's enjoying सोते हुए। अच्छे से सो रहे हैं। आप भी सो जाओ, बहुत टाइम है अभी। इसी के जिद पे मैं गोवा जा रहा हूँ। इसको जाना था गोवा, दो बार जा चुकी हूँ ऑलरेडी, बट छोटी बच्ची थी तभी, बहुत छोटी थी। अभी भी छोटी है मेरी बच्ची, बट अभी उसको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली गोवा क्या है। आप अपने बच्चों के लिए हर चीज करते हो। छोटा सा टनल आते हुए हम अभी इस छोटे से टनल में जाएंगे, बहुत ही छोटा है, जल्दी से निकल जाता है ये। फॉग टेल भी चालू कर सकते हैं इसमें, फॉग लाइट जो होती है वो टनल्स में काफी सेफ होता है वो चीज। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए। एग्जिट का एग्जिट आ गया है टोल नाका। फास्टैग नहीं जाएंगे हम, फास्टैग नहीं होता है वो एक्चुअली। इसलिए हमने कोई म्यूजिक नहीं लगाया है यहाँ पे। अब हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। किसी को पकड़ा आरटीओ ने, मुझे लगा मुझे बुला रहा है क्या। अगला सुबह सुबह दावत दे रहा है मुझे। हमने एग्जिट कर लिया यहाँ पे। ईमान सो के उठे? अरे यहाँ देखो तो सही, कैमरा चालू है आपके लिए। इमो बेबी, ईमान सो गया है ईशाना? एक्सप्रेसवे एंड खत्म।
खत्म होता है यहाँ पे। बड़ा प्यारा था एक्सप्रेस वे, जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया उसने। यस, हम लोग अभी चल रहे हैं, एक नया टनल आया है हमारे पास में, सोचा आपको दिखा दूं। ये टनल काफी बड़ा है, सतारा अभी कुछ 100 किलोमीटर बाकी है, 100 किलोमीटर पे सतारा है। क्यों आ रहे हो बीच में? ये बाइक वाले इतने परेशान करते हैं हाईवे पे। नहीं, वैसे मैं भी बाइक चलाता हूँ, मैं भी परेशान करता हूँ, बट हाईवे पे नहीं करता हूँ किसी को परेशान। ओ काका थामा, लेफ्ट ना का क्यों? नहीं नहीं, ट्रक वालों का बड़ा टेंशन होता है, अचानक राइट डालते हैं, अचानक लेफ्ट डालते हैं। सतारा की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टोल आएगा हमारा सतारा के पास में। मजा आ रही है ड्राइविंग करने के लिए, काफी फ्रेश फील कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि रात में 2 बजे सोने के बाद में सुबह 3 बजे उठने के बाद भी फीलिंग वेरी फ्रेश, क्योंकि एक्साइटमेंट एक फैमिली के साथ में जाना, गुड टाइम टू स्पेंड। काफ़ी काम हो गया है लॉकडाउन के बाद में, सबसे बड़ा ट्रैवल। ओ भाई मारो इसे, मारो। हाँ क्या बाबा, गाड़ी देख के चलो ना रे बाबा। आप अच्छे से चलाते हो लेकिन दूसरों की गलती बहुत बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं आगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये घाट है, कितना प्यारा घाट है। सुपर्ब, हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, घाट मिला हुआ है, बहुत जबरदस्त रास्ता है ये, मजा आ रही है ड्राइव करने के लिए अभी। एंड इट्स अमेजिंग, देखिए कितना प्यारा व्यू है, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। एंड हम चल रहे हैं, गाड़ियां भी इतनी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन सा ये रास्ता, मजा आ गया सीरियसली ऐसे ड्राइविंग करने के लिए। और आपके पास में जब्ती की वजह से हमें भी भुगतना पड़ता है कभी कभी, सो केयरफुली ड्राइव कीजिए। थोड़ा लेट पहुंचेंगे और कुछ नहीं, पर पहुंचेंगे जरूर। चलो आगे मिलते हैं सातारा के टोल पे। भाई मुझे ये आएगा, स्ट्राइक आएगा, क्या कर रहे हो आप, गाने मत बजाओ। मैं आप लोग को ये घाट दिखाना चाहता हूँ, एक्चुअली आप ये देखिए घाट को, बहुत मजा आएगा। मुझे गाड़ी चलाने में मजा आ रही है, आपको देखने में मजा आएगा, सो ब्यूटीफुल। क्या बेटा? अच्छा, मेरी बेटी बोल रही है कि हम नेट से ड्रोन शॉट ले लेंगे। नहीं, हम डायरेक्टली दिखाएंगे जो हम देख रहे हैं, ठीक है। ओहो मेरी नजर लग गई, मैं बोला ट्रैफिक नहीं है। भाई किधर घुस रहे हो भाई?
ऐसा मत करो यार तुम। आहा क्या चट, देखो वहाँ क्या स्ट्रिप है एकदम ऊपर चढ़ने वाला, ब्यूटीफुल रोड्स, ऊपर चढ़ना है यहाँ से, देखिए सीधा देख सकते हैं। जब आपने बोला ना कि नेट से ले लेके, हाँ? मेरे मुंह में मीम ये क्या आया बता, हाँ? जोर जोर से बोल के स्कीम में बता दे सबको। नहीं नहीं अपन वही क्या बोलते हैं, वाह यहाँ कुछ समथिंग, कोई मंदिर है देखिए छोटा सा, लोग यहाँ पे श्री दत्त मंदिर है, ये मेरे देश की खासियत है, हर धर्म के हर जात के लोग हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और एक मैसेज है जो मुझे देना है कि हमें अपने ही देशवासियों से कंपटीशन नहीं करना है, हमें कंपटीशन दूसरों से करना है। अगर हम एक रहेंगे तभी हम नेक बनेंगे और आगे जाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा रोड है ना, वाओ ना सुपर्ब, अमेजिंग अमेजिंग रियली माय डियर फ्रेंड्स। मैं अपनी फीलिंग्स आप लोग के साथ में नहीं शेयर कर सकता हूँ। इमान कैसे लग रहा है यहाँ पे? एकदम अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? Okay. I can absorb the atmosphere. अच्छा, you are absorbing the atmosphere. Wow, that's nice. पता नहीं यहाँ कुछ हो चुका है, शायद गाड़ी में प्रॉब्लम हुई है, टायर खराब हुआ है किसी का, मैकेनिक है, हमको उतर के मदद करने की जरूरत नहीं है। चलना मेरे भाई, एल लगा है उसका मतलब, हाँ बीबी लर्निंग एल, हाँ अभी यहाँ से शुरू होती है उतरन उतरन, अभी चढ़े थे घाट, अभी यहाँ से उतर रहे हैं, चढ़ गई अभी उतर रही है, नहीं नहीं गाड़ी 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 चढ़ गई अभी उतर रही है। अच्छा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, लेकिन गाड़ी को चढ़ना पड़ता है, नहीं गाड़ी ने तो बहुत ड्रिंक किया बाबा। ये भाई क्या करना, क्या चाह रहा है भाई, मैचिंग करने के लिए उन्होंने भी मन मारे हैं। भाई अपने को गाना नहीं गाना है, मेरे सुर के साथ सुर मिला रहे हो, कैसे भी घुस तू, अरे वाह वाह। टोल गेट है अभी यहाँ पे, वाह ये पाव पाव किलो के जो स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, वो बड़ा दुखदायी होते हैं। सातारा में एंटर करने वाले हैं। हमारे ईमान कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब ये हम यहाँ से रोड से उतर चुके हैं। मैं थोड़े नींद में हूँ। थोड़े नींद में हो तो पूरे नींद में चले जाओ, आराम करो, टेक रेस्ट, हम आगे मिलते हैं। ये आया है टोल, काफी छोटा सा टोल था, सॉरी टोल नहीं टनल, आई एम सॉरी, पीछे से कोई बहुत जबरदस्त फन मार रहा है।
कोल्हापुर पहुंचने में अभी समथिंग अराउंड 20 किलोमीटर्स है, 20-25 किलोमीटर है लगभग। अब ये टोल आ रहा है, हैवी व्हीकल्स कीप लेफ्ट। इंग्लिश में क्यों लिखते हो आप? ये देखिए सारे हैवी व्हीकल्स राइट से जा रहे हैं, सारे हैवी व्हीकल्स। अभी हमारे लिए हाँ कार यहाँ पे है, चलते हैं कार, कार यहाँ से लेते हैं। ये आया है टोल, दिस इज अ टोल, टोल नाका है। नो टैग नो एंट्री, फिर भी कैश भरते हैं। और मैं जा रहा हूँ औजड़ वाहन के यानी हैवी व्हीकल्स के रास्ते से। ऐसा क्यों होता है कि जब आप टोल पे आते हो तो ऐसा लगता है बाजू वाली लाइन ज्यादा स्पीड में निकल रही है? कैश ले ले, 10 रुपये ले ले, जल्दी छोड़ दे। चलो यहां से हम निकल चुके हैं, अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे कर्नाटक बॉर्डर पे, कर्नाटक के बॉर्डर पे पहुंचे हैं। यहाँ से चेकिंग होगी और हम आगे जाएंगे। COVID-19 का पूरा पालन करना है, जैसे दो डोज हो गए कि नहीं हुए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके आधार कार्ड आपको कैरी करना है आइडेंटिटी कार्ड के लिए। और देखते हैं व्हाट नेक्स्ट, होप यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटा सा बॉर्डर बंद कर देंगे। अभी हमने चेकिंग सिक्योरिटी चेक कुछ किया नहीं, उन लोगों ने सिर्फ पूछा आपने दो डोज लिए, करना चाहिए उनको चेकिंग, ठीक है नो प्रॉब्लम, अपना अपना लुकआउट है। नाउ हम लोग यहाँ पे अब उसके बाद टोल में आए हुए हैं, देखते हैं लेट्स सी। इसमें फास्टैग है तो किस चीज का डर है? कितने ब्यूटीफुल रोड्स है ये, बहुत मजा आ रही है चलाने के लिए गाड़ी, अमेजिंग एक्सपीरियंस। खुले खुले रोड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देखिए पूरे क्लियर रोड्स। ये नेक्स्ट टोल आ रहा है, हम यहाँ पे शायद बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। चलो बॉर्डर, दिस इज अ टोल, जल्दी जल्दी हो जाता है फास्टैग की वजह से। नाम में जवाब छुपा फास्टैग, यस 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 यस। दोस्तों हमने बेलागावी जो सिटी है उसके अंदर से गाड़ी ली है, क्योंकि किसी ने हमें गाइड किया कि अगर हम डायरेक्ट हाईवे से लेंगे तो ज्यादा पैच फॉरेस्ट का मिलेगा और यहाँ से थोड़ा कम पैच मिलेगा फॉरेस्ट का, इसलिए हमने बेलागावी। और बहुत हैक्टिक था अंदर से आना, बहुत दिमाग खराब हो गया, बहुत ट्रैफिक थी पब्लिक भी
थोड़ी सी स्लो थी वहाँ की, आराम से चल रहे थे, कोई घाई नहीं थी किसी को। तो अब यहाँ से हमने लिया है, सिंगल रोड है, आराम से चलाना है यहाँ गाड़ी, क्योंकि लेन नहीं है बीच में और रोड भी थोड़े से ख़राब है। अब तक का जो एक्सपीरियंस अभी मेरे मुझे कुछ समथिंग 111 किलोमीटर दिखा रहा है एंड 3-3.5 घंटा गूगल मैप मुझे बता रहा है कि आपको समय लगेगा। सो आप समझ सकते हो कि रोड कितना ख़राब होगा। तो ये शायद 70-75 किलोमीटर का कुछ पैच है, जंगल का पैच जो आपको पार करना है। और देखिए सामने से गाड़ी आ रही है और रास्ता जो है देखो भाई, अरे अपना रास्ता ये है भाई, उधर रास्ते से मत जाओ भाई। ये अपना रास्ता है, ये देखो मस्त चलाती है पब्लिक यहाँ की गाड़ी, राइट इंडिकेटर देती है, लेफ्ट में जाती है, लेफ्ट इंडिकेटर देती है, राइट में जाती है, और कोई इंडिकेटर नहीं देते बीच में। देखो भाई भाई अपना रास्ता इधर है भाई, तू इधर है। हाँ शाबाश, लोग भूल जाते हैं थोड़ा टाइम। हाँ सुनना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कोई उनकी बात नहीं सुन पाएगा। यस यस यस, ये रोड्स थोड़े से बहुत उबड़ खाबड़ है, लेकिन आगे के रोड्स का अपडेट दूंगा आप लोगों को। बहुत ही सुनसान रास्ता है ये, एकदम सुनसान है, कोई गाड़ियां नहीं है हमारे साथ में। और एक्चुअली बीच में कोई गवर्नमेंट की पोस्ट चेक्स भी होनी चाहिए, चेक पोस्ट होते हैं जैसे, दिन में तो ठीक है, रात में प्रॉब्लम हो सकती है। काफी सन्नाटा है इस रास्ते पे, लेकिन मजा आ रही है इस रास्ते पे ड्राइव करने के लिए, एकदम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आ रहा है। बस बीच बीच में संभालना पड़ रहा है। क्या बोल रहे ईशान, उनको भी हमारी तरह फीलिंग्स आ रही थी कि क्या मैं फील रहे ईमान ईमान सो गया भाई, उसको जब भी बोलते हैं बोलने के लिए तो सो जाता है वो। सबसे महंगा यूट्यूबर है वो, ज्यादा बोलता नहीं है, वो बोलता है इन्फ्लुएंस करने का पैसा दो। सो यू कैन इमेजिन, ये रास्ता बहुत खराब है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमें तो आदत है, वी आर मुंबईकर्स। इतने अच्छे रास्ते, हम छोटे छोटे रास्तों में चलाने की हमको आदत होती है, हम चलाते हैं, और बारिश में तो हमें काफी एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, लेकिन एक बार आप 400-500 किलोमीटर एकदम दौड़ाते हुए आओ, फिर ऐसे हवा के झोंके मिलेंगे तो फिर तकलीफ हो जाती है। बट मजा आ रही है, वी आर स्टिल गोइंग ऑन। ये रास्ता मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, शांत जंगल। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, इस जंगल से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, वी आर रियली एंजॉयिंग दिस जंगल। अच्छा ना, ऐसे लग रहा है बेबी, ये तो मजा आ रही है। ईमान, मेरे को अब्बू को देखकर मेरे को ड्राइव करने का मन कर रहा है, तीसरी बार बोल रही हूं मैं अब्बू को। ड्राइविंग सीख लेगी ना, फिर आपको घुमाऊंगी इधर उधर।
रेलवे ट्रैक पे ये ब्यूटीफुल ब्रिज गोवा का, उसको क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ 5 बजे पहुँचे। आई एम सॉरी मैं तभी आपको रिपोर्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत टायर्ड था और उतरते ही मैं जाके सो गया। और ये हमारा विला है जो हमने बुक किया हुआ है, बहुत प्यारी जगह है। और हमने अभी मैं थोड़ा आराम करके उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। तो मैं इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ COVID-19 के थ्रू से क्या रोड ट्रिप में आपको कैरी करना चाहिए और कितने इसमें क्या क्या आपको अड़चनी आएगी, कौन से आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कितना टोल लगने वाला है, सब कुछ एवरीथिंग आई विल शेयर विथ यू। सो हमारा रोड ट्रिप का व्लॉग अभी ख़त्म होता है। मैं नया व्लॉग गोवा में 1st डे और 2nd डे का बनाऊंगा। मेरे साथ में रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।